जी अस्सलाम वालेकुम, ये मैं आया हूँ फूड एग्रीकल्चर और एग्जीबिशन में, जो कि 9 से 11 2024 तक है अगस्त। तो 1.5 घंटा मुझे बाहर वेट करने में लगा है। इंतहाई बुरी मैनेजमेंट है गेट पे, स्पेशली एक बंदा, मतलब एक ही आदमी के, मतलब जैसे अगर मैं फ्रॉन्स ट्रांसपेरेंट हो रहा हूँ तो 5 दफ़ा मुझे रोक के कार्ड चेक किया गया, जिसकी वजह से इतनी लंबी क्यू बनी हुई है बाहर रोड पे कि आप सोच नहीं सकते। एनीवेज मैंने कहा चले मैं दिखाऊं। ये अभी मेन हॉल एंटर हो रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये मेरे ख्याल में दरख्त बनाया है, रंग बिरंगी दरख्त है और इसमें फल भी लटके हुए हैं। ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और कुछ फल गिर भी गए भाई दरख्त पे से। तो ये बेसिकली मेन एंट्रेंस है, जब आप मेन हॉल से आते हैं, मतलब मेन गेट से आते हैं, और फिर आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि हॉल 2 के लिए जाने के लिए, हॉल 1 में, फिर 3, 4, 5 आगे। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ, एक ट्री नुमा बनाया हुआ है और उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें बनाई हुई है, ब्यूटीफुल। तो हॉल 2 को पहले मैं जाता हूँ और देखता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं स्टॉल यहाँ नहीं ले सका, और अगर मुझे पहले पता होता, आप लोगों को पता होगा कि मैं वेकेशंस पे था और यहाँ काफ़ी फॉरनर्स भी नज़र आ रहे हैं, फॉरेन डेलीगेशंस भी हैं काफ़ी। तो अफसोस कर सकता हूँ कि मैंने मुझे मेरे लिम में नहीं था, वरना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो चलें अंदर हॉल 2 में चलते हैं। यहाँ सारी मिठाइयों की और उस टाइप की है, जैसे खालिस स्वीट्स हैं, और तो अचानक एक जानने वाले मिल गए थे तो मैं आपको बता रहा था, खैर कि ये देखिए खालिस स्वीट्स हैं यहाँ पे, ये पीक फ्रींस है सामने, और यहाँ यूनाइटेड किंग है। तो ज़्यादातर ये वही हैं, बेकरी आइटम वाले, मोनसलवा वाले बैठे हुए हैं, शंगरीला वाले बैठे हुए हैं, अम्बाला बेकर्स है, पाइन द स्काई है पीछे बैक साइड पे, और करशी वाले भी नज़र आ रहे हैं। वाह, तो ये है रहमत शीरी भी नज़र आ रही है, मनसलवा का भी है, बड़ा अच्छा खूबसूरत स्टॉल है। ये ब्लैक एंड ब्राउन जायका पाकिस्तान वाले भी है, वाह भाई। और ये पाइन द स्काई का स्टॉल है, ये भी अच्छा है, लेकिन अब पाइन द स्काई की वो बात नहीं रही जो पहले थी, वल्ला आलम क्या हो गया इनको। करशी रिसर्च इंटरनेशनल, अच्छा भाई माशाल्लाह। दाशी फ्लेवर्ड चिकन, और मतलब अब यही है कि यहाँ जो है वो ज़्यादातर बड़े जो जॉइंट्स हैं वो फ्रंट पे हैं, और बाकी छोटे मोटे जो हैं पीछे हैं। तो आगे चलता हूँ तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ।